ओके जानू जो है इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म ओके कन्मनी एंड लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है एंड जो दो कैरेक्टर्स है आदि एंड तारा हम काफ़ी क्लियर है फिल्म में कि हम शादी नहीं करना चाहते एंड लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. दोनों कैरेक्टर्स काफी करियर ओरिएंटेड है. हम दोनों को बाहर जाके काम करना है. शी वांट्स टू गो टू पेरिस, आई वांट टू गो टू अमेरिका. तो हम एक रिलेशनशिप में है पर उनको एक नाम नहीं देना चाहते हैं उसको, एक यू नो एक परमानेंट कमिट नहीं करना चाहते एक दूसरे को, बिकॉज वी वांट टू वी हैव बिग एस्पिरेशंस. तो थिंक गैप देना भी जरूरी है क्योंकि इफ वी कीप कमिंग ईयर आफ्टर ईयर विद एवरी फिल्म तो शायद लोग बोर हो सकते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव अ बिट ऑफ अ गैप, बट एक्चुअली ये रीजन नहीं थी. हम दोनों को ऐसी कोई फिल्म या स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हुई थी जिससे दोनों को पसंद आई. उस वजह से क्योंकि वो सुपर हिट फिल्म थी, हमको एक कॉन्फिडेंस भी मिली थी कि ये फिल्म एक्सेप्ट हुई है साउथ में, लोगों को पसंद आई है. तो वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दैट. वी फेल कि यार इज बेटर देन मेकिंग अ रीमेक ऑफ अ फ्लॉप फिल्म, बिकॉज आपको पता है कि ऑलरेडी इट्स बीन एक्सेप्टेड. लोग तो कंपेयर करने वाले हैं, दैट यू कांट स्टॉप, एंड वो नेचुरल है. बट आई होप कि वी जस्ट मीट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस. जैसे इन्होंने कहा कि प्रेशर एक्चुअली हर फिल्म के साथ यू फील इट, यू फील कि यू नो डेफिनेटली जो ऑडियंसेस है वो एक एक्सपेक्टेशन रखती है. यू नो दे होप कि आप दोबारा उन्हें एंटरटेन कर पाए एंड तो वो एक्चुअली हर फिल्म के पहले तो प्रेशर इज डेफिनेटली देयर. आई थिंक कुछ सही या गलत नहीं है. आई थिंक ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है. आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप पे इतने फिल्में बन रही हैं क्योंकि ये सोसाइटी में ये चीज़ अभी हो रही है. पीपल आर लिविंग इन विथ ईच अदर मोर एंड मोर, एंड आई थिंक इसलिए डायरेक्टर्स एंड राइटर्स आर राइटिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. वेल डेफिनेटली जब आपके पास ए आर रहमान सर है, गुलजार साहब लिरिक्स लिखे उनके, एंड यू नो ही इज दिस टीम दैट यू हैव. हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमें इस टीम में शामिल किया गया है एंड मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ रहमान सर की. एंड बहुत अच्छा लगता है जब यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ लव, आपको प्यार मिलता है अपनी फिल्म के लिए, म्यूजिक के लिए. डेफिनेटली अच्छी फीलिंग तो होगी. ये एक्चुअली मैं कहती जा रही हूँ कि ये बहुत अच्छा गाते हैं. एंड पर मैं गिटार के पीछे छुप जाता हूँ. आज नहीं है गिटार तो मैं नहीं गा पाऊंगा, बट व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म? मेरा फेवरेट गाना फिल्म में से है इन्ना सोना. मेरा टाइटल ट्रैक, और दोनों नहीं गा पाएंगे क्योंकि बहुत टफ है. ये भी क्वेश्चन बहुत ही टफ है क्योंकि दोनों गाने बहुत अच्छे हैं. आप कैसे पूछ सकते हैं कि ओरिजिनल हम्मा अच्छा लगा या हमारा? बट मुझे तो लगता है कि ये नया हम्मा जो है द हम्मा सॉन्ग, वो ओरिजिनल हम्मा की वाइब से बहुत ही डिफरेंट है. द ओरिजिनल सॉन्ग इज फुल ऑन यू नो पागलपन एंड फुल पावर एंड मैडनेस एंड क्रेजीनेस व्हिच इज अमेजिंग. एंड द न्यू हम्मा सॉन्ग इज अ लिटिल मोर ग्रूवी एंड लिटिल मोर बेसी एंड यू नो इट्स गॉट रैप. तो आई थिंक इतनी डिफरेंट है एक दूसरे से कि दे आर टू डिफरेंट टाइप्स of songs. So thank you guys.